गाइस, स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट के बारे में काफी ज्यादा कंप्लेट्स सुनने को मिल रही है और बहुत सारी वियर्ड एंड एक्साइटिंग सी के स्टेटस के एपिसोड में गाइस माय नेम इज़ ज़हीर एंड दिस इज एपिसोड नंबर ऑफ़ टीटीएस टेक्निक्स टेक्नोज लेट्स बिगिन इस डिटेल्स का मतलब ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही छोटे मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज आकर देता हूं तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकन को भी दबा देना विद सेड लेट स्टार्ट अब अ टेक न्यूज विद अदर कैटेगरी तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज तो यही है कि भाई जो स्पॉटीफाई आपने सुनाया होगा अभी तक देखो मैं मेरे पास जो है वो एमेजॉन म्यूजिक है और अमेजॉन म्यूजिक के अंदर एलेक्सा बिल्टी नाती है तो मैं उसको बोल के कुछ भी गाना वाना बजा सकता हूँ ठीक है लेकिन अब स्पॉटीफाई में ऐसा कुछ फीचर नहीं था तो अभी Spotify वाला बोल रहा है कि भाई हमको भी ऐसा चाहिए तो Spotify वाला कर एक नया फीचर लेकर आ रहा है हे स्पॉटीफाई करके तो आप उसको बोल के आप अपना गाना अपना पॉडकास्ट जो भी आपको सुनना है वो आप सुन सकते हो मतलब ये भी एक वो मच गई समझ लो दौड़ क्या ही बोलने का अभी उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई एप्पल और फेसबुक का वापस से चालू होगा बीच में चल रहा था भाई कि फेसबुक ने एप्पल के ऊपर कंप्लेंट किया था कि भाई तुम इतना प्राइवेसी का वो करोगे तो हमारा पूरा धंधा बन जाएगा एंड ऑल अभी एप्पल बोल रहा है कि भाई तुम हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आके दो एपिक के जो कंप्लेंट है उसके अंदर सो so ये थी मेन मेन अदर के डिग्री की न्यूज गाइज हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर भी न्यूज है तगड़ी तगड़ी सबसे पहले तो भाई स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट के बारे में कुछ चीज़ें मैंने फाइंड आउट की और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे दोस्त लोग भी उनका भी मानना यही है कि भाई ट्रिपल एड स्टेबल नहीं है स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं देता है और गर्म बहुत होता है अभी देखो मेरे पास ये है आ, वन प्लस नाइन प्रो भाई इसके अंदर भी बहुत सारी गर्मी है बहुत ज्यादा गर्म होता है ये फोन और इवन मेरे पास एक दो फोन और हैं स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट बेस्ड वो भी फोन गर्म होते हैं सो so, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं है और नीचे थोड़े बहुत लोग छिल्लम चिल्ली कर रहे तो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर करना बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई एल वाला अब फोन तो खत्म हो गया उसके लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि एल एक फोन निकालने वाला है एल जी करके जिसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट प्रोसेसर देखने को मिलेगा जी हाँ एल का फोन बंद होने के बाद या तो फिर वो प्लान होगा शायद कैंसिल कर दूंगा ऐसा कुछ हो सकता है क्या पता जो भी है सारी चीज़ें तो आपको पता ही चल देंगे उसके बाद अगर कर मैं बात करूँ तो OnePlus Nord के बारे में न्यूज़ आ रही है कि भाई जो OnePlus Nord का N10 आया था उसका एक सक्सेसर इंडिया में लॉन्च होने वाला है भाई Nord N10 तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था बट N20 इंडिया में लॉन्च होगा क्या लॉजिक से कर मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई और फर्स्ट ऑफ तो ऑल मेरे को OnePlus का जो Nord N सीरीज है ना वो मेरे को मजा ही नहीं आया भाई लेट्स सी गाइस क्या करता है इस बार वन प्लस वाला उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रियलमी की सी सीरीज लॉन्च हो गई है भाई आज की डेट में सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फाइव सी थोड़ा दिन रुक जाओ शायद आपको उस पर वीडियो भी मिल जाएगी उसके बाद और रियलमी जी टी जो है रियलमी जी टी एंड जी टी नियो भाई इसी महीने में आ सकते हैं और इसी महीने की बात कर रहा हूं तो आईकू के दो फोन भी इसी महीने में लॉन्च हो सकते हैं आईकू सेवन एंड आईको नियो फाइव ये दोनों फोन इंडिया में बहुत जल्द आ सकते है आई मीन जो आईकू का लेजेंड एडिशन है वो भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है सो स्टे ट्यून्ड रहो भाई उसके लिए भी बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई फोल्डिंग फोन आने वाले हैं ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो फोल्डिंग फोन होंगे अब की बार भाई शाओमी ने तो निकाल ही दिया अभी ओप्पो और विवो के भी फोल्डिंग फोन आ रहे हैं भाई एंड दैट इज अ रीजी न्यूज लाइक like, अब अगर सब जगह से फोल्डिंग फोन आने लग जाएंगे दैट मीनस जो टेक है वो सस्ता होएगा और कुछ टाइम में पचास हजार के नीचे फोल्डिंग फोन आएंगे तब मजा आएगा सो so, ये थी मेन मेन स्मार्टफोन की न्यूज का ही था गैजेट्स की तरफ बने तो भाई ज्यादा न्यूज तो है नहीं यहाँ पर एक ही न्यूज ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो एप्पल टीवी होने वाला अभी जो लेटेस्ट वाला एप्पल टीवी आएगा उसके अंदर हमको वन ट्वेंटी का सपोर्ट मिलने वाला बेसिकली एक बॉक्स होता है सेटअप बॉक्स होता है एप्पल टीवी का उसके अंदर वन ट्वेंटी का आउटपुट मिलेगा वो पहले से भी होना चाहिए था पता नहीं क्यों पहले नहीं था बट वन ट्वेंटी का आउटपुट मिल रहा है दैट मीस अभी गेम वगैरह पे फोकस करने वाला है और शायद सब ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत पावरफुल वो एप्पल टीवी का सर्द बॉक्स निकालेगा और उसको कंपटीशन में लगा देगा उसके साथ में किसके साथ में पी एस फाइव के बट पता नहीं भाई देखते क्या करता है सो so, ये थी गैजेट्स की न्यूज गई अभी हम लोग पीसी वर्ल्ड में बढ़े तो भाई यहाँ पर भी ज्यादा न्यूज है नहीं सबसे पहले न्यूज तो इंटेल की तरफ से आ रही कि जो भाई इंटेल का प्रोसेसर आया था इलेवन जनरेशन का इलेवन के अब वो चार डॉलर के आसपास का उसका प्राइस था लेकिन बहुत सारी जगहों पर उसकी ऑलरेडी प्राइस डाउन हो चुकी है उसको ऑलरेडी लोग चार सौ पांच डॉलर में बेच रहे हैं मतलब क्या ही हो रहा है बेचारा इंटेल की लग चुकी है यार लिटरली बोल रहा हूँ और इंटेल ने अभी अपने प्रोसेसर जो है आई मीन जो सर्वर प्रोसेसर है उनको भी अनाउंस कर दिया है मतलब अब इधर उधर इधर उधर हाथ कर मारा इंटेल देखते क्या करता है उसके बाद इंटेल की बात करूँ तो एप्पल भाई एप्पल ने तो इंटेल का बहुत बुरी तरीके से वाट लगाया था अब क्योंकि उनका साथ छोड़ दिया भाई लेकिन अभी एप्पल का जो एम वन आया था बहुत सारे लोग बोल रहे भाई अब आपको तो पता ही है वो पूरा सब ऐसोस ही आता है उसके अंदर लाइक हर एक चीज़ शोल्डर्ड रहती है प्रोसेसर के साथ में लेकिन चाइना के कुछ इंजीनियर लोग ने वो सोल्डर को निकाल के उधर मतलब जो आठ जी रैम था उसको अपग्रेड किया सोलह जी खुद से बताओ ऐसा भी कर रहे भाई चाइनीज इंजीनियर बताओ क्या क्या जमाना आ गया भाई सो so, ये था मेन मेन आज की न्यूज गई शायद आपको वीडियो पसंद आई कि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस बाय